नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। वो समय याद होगा 2014 का, जबकि ललकार रैली हुई थी और देश के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को, खास करके जम्मू की जनता को संबोधित किया था। काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत भी हुई थी और वायदा किया था उन मुद्दों पर काम किया जाएगा। अब एक बार फिर से उसी तरह की रैलियां, जनसभाएं आपको देखने को मिलेंगी में। बताना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, राजनाथ और यानी कि अमित शाह जल्द करेंगे प्रदेश का दौरा। भाजपा जनसभाओं के तैयारी में जुटी है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंदर रैना ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे और मेगा रैलियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में केंद्र शासित प्रदेश का दौरा तो करेंगे और मेगा रैलियों के आयोजन भी करेंगे। पहली बार नहीं, इलेक्शन से आने से पहले हमेशा इस तरह की रैलियां होती हैं, पर देखना यह है कि क्या पहले की तरह इन रैलियों का प्रभाव आम जनता पर पड़ता है या नहीं मरता है। क्या देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का जो दौरा करने वाले हैं, क्या फिर से मोदी लहर जागेगी या नहीं। बताना चाहेंगे कि रविंदर रैना का ये जो कि इन्होंने जो इस समय शनिवार को ये कहा, उन्होंने कहा कि भाजपा की जम्मू कश्मीर के इकाई रविंदर रैना ने शनिवार को एक पार्टी समारोह में संवाददाताओं के साथ बातचीत करने के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा भी अन्य प्रमुख नेताओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे। और रविंदर रैना ने बताया कि लोगों को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में सूचित करने के लिए पार्टी 24 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश में एक जन जागरूकता अभियान शुरू करने कर रही है। तो ये रविंदर रैना जी से हम भी पूछेंगे कि पहले आप रोज जो पार्टियां कर यानी जो मीटिंग कर बैठक कर प्रेस वार्ता कर बताते हैं, बखान करते हैं, तो वो क्या है। यानी अगर केंद्रीय मंत्री आएंगे तब जाके बताएंगे, फिर जनता विश्वास करेगी। जनता भली भांति जानती है किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, किस तरह की नहीं हुई है, किस तरह के मुद्दों पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सड़क और राजमार्ग मंत्री और भाजपा अध्यक्ष के अलावा अन्य प्रमुख नेता मेगा रैली को संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दौरे के सही तारीख नहीं बताई, लेकिन रविंदर रैना ने कहा कि रैलियां जन जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए ईमानदारी से काम कर रही है, चाहे वे अमीर हो या गरीब हो। हमारा मकसद है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी का जनसंपर्क कार्यक्रम सभी गांवों, पंचायतों और नगरपालिका वार्डों को कवर करेगा और भाजपा सरकार के तहत जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हो रहे विकास के बारे में जन जागरूक पैदा करेगा। चलिए रविंदर रैना जी, आपके सवाल का फिलहाल जवाब हम भी देंगे, क्योंकि हम भी जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। जिस तरह से जनता के कहीं ना प्रतिनिधि आप हैं, तो हम भी जनता की आवाज आप तक लाते हैं। जो आपने कहा कि हमारी सरकार यानी कि धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के ईमानदारी से काम कर रही है, तो उसमें एक वर्ग आता है डेली वेजर का, उसमें एक वर्ग वो भी आता है आशा वर्कर का, उसमें वर्ग वो भी आता है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स। पिछले कई सालों से वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो ये जनता ज़रूर उन जन संबोधित जब रैलियाँ होंगी, जनता ज़रूर आपसे सवाल करेगी। उन्होंने कहा रविंदर रैना जी ने, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हमारा मकसद है कि सभी को न्याय मिलना। तो रविंदर रैना जी, डेली वेजर्स को आज तक अन्याय क्यों नहीं दे पाई आपकी सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं डेली वेजर को आता करने आ दे पर जाके दो, जबकि 2014 से चलते चलते आज 2023 हो रहा है, फिर से आप वैसी ही यानी कि जन रैलियाँ जो संबोधित होंगी, जन रैलियाँ, जनसभाएँ करने जा रहे हैं। कितने साल हो गए, क्यों नहीं आप दे पाए आप डेली वेजर्स को, आशा वर्कर्स हो, होम गार्ड्स हो, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, कितने CPW वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कितने लोगों को आप दे पाए हैं, ये सही देखिए। अरविंदर रैना ने कहा कि पार्टी का जनसंपर्क कार्यक्रम सभी गांव, पंचायतों, नगर पालिका और वार्ड यानी कि वार्डों को कवर करेगा।
और भाजपा सरकार के तहत जम्मू कश्मीर के बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कोई दोराहे नहीं। अगर विकास हो भी रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल बन रहा, आईआईटी कॉलेज बना है, उसके बाद फोर लेन्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, इसमें कोई दोराहे नहीं, काम कर रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ रविंद्र रैना जी, सबसे ज़रूरी काम था जिसका आपकी पार्टी के नेताओं ने, जुगल किशोर शर्मा जी ने ललकार रैली में बात की थी कि अगर दो कश्मीर मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें से एक मुद्दा सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है वो डेली वेजर्स का। तो ये जनता अब आपसे सवाल करेगी, भले ही आप रैलियां करते रहे, बड़ी बड़ी रैलियां करते, क्योंकि इलेक्शंस का दौर है, जनता भली भांति जान चुकी है। अब शायद फिर से आप लोग सोच रहे होंगे, ये नेता लोग सोच रहे होंगे, फिर से अब मोदी लहर जम्मू कश्मीर में आएगी, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, फिर से मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, तो एक यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। तो कारगिल के हालात देख लीजिए, कारगिल से सबक लेना चाहिए कि कारगिल की जनता ने भाजपा को कहीं नकारा है, माना चाहते हैं कारगिल की जनता ने भाजपा को नकारा है, तो इसी तरह जम्मू की जनता डेली वेजर खासकर उन्होंने तो कसमें खाई हैं कि हमारा परिवार, हमारे परिजन, हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हमारा मसला यानी रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी SRO 64 के तहत। ऐसे ही आशा वर्कर बहनें पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने देखा हरि सिंह पार्क में पूरे जितने भी जम्मू के अलग अलग खित्तों से आशा वर्कर बहनें आई थी, वो भी देश की बेटियाँ थी, वो भी जम्मू कश्मीर की बेटियाँ थी आशा वर्कर। तब नहीं दिखी बेटियाँ सड़कों पर थी, तब नहीं दिखी बहनें, तब कोई भी आपका नेता चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई भी हो, MP हो, कोई भी नेता हो, कोई भी वहाँ पर उन तक नहीं पहुँचा, MLA हो, कोई भी नहीं पहुँचा वहाँ पर उनकी हालात, उनकी सुध जानने के लिए। और अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनसभाएं भले ही आप कितनी भी कर लीजिए, रैलियां जितनी मर्जी कर लीजिए, पर अब जनता वोट अपनी मर्जी से देगी। पहले वो समय था जब मोदी लहर थी, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री, आज भी हम कहेंगे कि उनके नेतृत्व वाली सरकार से जनता ने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, तो पर देश के प्रधानमंत्री हर एक घर में नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि आने वाले समय में, अगर अभी भी समय है, अगर भी इलेक्शन से पहले हमारी जनता के मुद्दों को हल नहीं किया गया, कि अगर स्मार्ट मीटर को हटाया नहीं गया, अगर डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया गया, होम गार्ड्स को उनका अधिकार नहीं दिया गया, आशा वर्कर्स को उनको नहीं उनकी हक दिया गया, अन्य जो लोग सड़कों पर हैं, हमारे युवाओं को उनकी भर्तियां नहीं की गई, युवाओं को रोज़गार नहीं दिया गया, तो कारगिल की तरह ये ना हो जम्मू कश्मीर में भी आपके पैरों तले जनता जो है ज़मीन खींच ले। आप 50+ का लक्ष्य देख रहे, ये वो जनता है जिसने आपको सरमाथे पर बिठाया था, अगर इनके मुद्दे हल होंगे ये 50 के आप तो 90 के 90 पर आपको विराजमान करवा सकती है, पर इनका एक भी मुद्दा आज तक आपने हल किया, ये बड़ी बात है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आपके समक्ष हम ला रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जल्द ही बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, जिसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि राजनाथ सिंह जी होंगे, अमित शाह होंगे, प्रदेश के जो अन्य नेता बड़े होंगे, यानी कि प्रदेश का दौरा करेंगे, यानी केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, सुरक्षा मंत्री जो होंगे वो होंगे, बाकी सारे कई JP नड्डा होंगे, अन्य जो मंत्री होंगे वो यहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, मेगा रैलियों को संबोधित करेंगे और जनता के साथ संबोधित होंगे। क्या लगता है कि वाकई अब कहीं इलेक्शन की तैयारियां हैं, तभी अब जम्मू कश्मीर की तरफ रुख हो रहा है इन केंद्रीय मंत्रियों का। टोल प्लाजा की बात हुई तो केंद्र तक यहां पे हमारे यहां के नेता वहां पहुंचे, पर उसका हल नहीं हुआ। पर हाँ, इलेक्शन पास है तो मंत्रियों का आना भी बनता है। चलिए, ये जनता पर निर्भर है, जनता जनार्दन है, उनका फैसला वही फाइनल होगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।